अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? तो आज का हमारा थर्ड टॉपिक है, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। ये बात मैं हर लेक्चर में शायद कहूंगी, हमेशा कहती रहूंगी कि हम लोग सब्जेक्ट के नाम से, मतलब टॉपिक के नाम से हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे व्हाट डज दैट टॉपिक मीन। दिस इज अ प्रैक्टिस दैट यू हैव टू कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई हो सकती है। तो आई जस्ट होप कि आप लोग इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज, हमने पढ़ा था जेंडर स्टडीज क्या है। ठीक है, जेंडर स्टडीज इज अ स्टडी अबाउट जेंडर। देयर आर करंटली 8 रिकॉग्नाइज्ड जेंडर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब जब हम कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर, एक होता है सब्जेक्ट इट इज अ यूनि डिसिप्लिन सब्जेक्ट या बाय डिसिप्लिन सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट सिर्फ एक ही चीज को डिफाइन कर रहा होता है और किसी चीज को डिफाइन नहीं कर रहा होता। ऐसे यार यूनि डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बहुत कम होते हैं, मेरे जहन में कोई आ नहीं रहा इस वक्त। तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज से हमारा मुराद है कि जो जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक सोल इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो सब्जेक्ट जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अदर सब्जेक्ट, वो डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज को कवर कर रहा होता है। लेट्स से व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामियात, अब बहुत सारे लोगों ने इस वक्त इस्लामियात पढ़ ली होगी, मेरा ये ख्याल है, या कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया। अब जब हम इस्लामियात पढ़ रहे होंगे तो इस्लामियात में हम लोग देखते हैं कि भाई पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है, हमने बोला कि भाई इस्लाम हजरत के दौर में कैसे पॉलिटिक्स होती थी, तो हमने क्या किया, वी स्टडीड पॉलिटिकल साइंस इस्लामियात। तो क्या हमने देखा कि इस्लामियात की डुअल नेचर है, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आ रहा है और इसमें हमारे पास इस्लामियात भी आ रहा है। फिर हमने देखा कि इस्लामियात में वो जो दूसरे ममालिक थे या दूसरे कंट्री के जो लोग थे उसके साथ रसूल का बिहेवियर कैसे होता था, ये भी हमने पढ़ा था कि अरेबिक थे वो अंग्रेज जो आए थे, यूरोप से लोग आए थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उस टाइम के सहाबी होते थे उन्होंने क्या किया, उनको इंटरटेन किया, उनको अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी की, उनको डिशेज बनाना सिखाई, इजिप्शियंस को ट्रेन किया। तो उस टाइम पे हमारे पास राइज ऑफ अरब चल रहा था, तो हमने देखा कि भाई ये उसके थ्रू हमें ये भी पता चला कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे केटर करने चाहिए, या हमने सीखा कि वॉर में हमें कैसे होना चाहिए। प्रॉफिट ने बताया कि हमें वॉर में क्या करना चाहिए कि वी हैव टू बी काम कंपोज, वी हैव टू टेक द स्टार्ट, वी हैव वी ऑलवेज शुड बी रेडी फॉर जिहाद, और हम लोग ऐसे नहीं मारें कि ह्यूमैनिटी सफर हो, अगर हम कत्ल भी कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छे तरीके से हो ताकि सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एट मिनिमम रहे। तो वॉर का लेसन हम लोग पढ़ते हैं आईआर में। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई इस्लामियत जो है दैट इज इवन कनेक्टेड विद आईआर। फिर हमने देखा कि लोगों के साथ हमें आपस में कैसे चलें, बिहेवियर हमारे कैसे होने चाहिए, तो इसका मतलब इस्लामियत को हमने सोशल साइंसेज से भी लिंक किया। इसके बाद हम लोग आए कि खवातीन के एक रोल ऑफ वेमेन आ गया इस्लाम में। ठीक है, रोल ऑफ वेमेन आ गया कि खवातीन के क्या हक हैं, खवातीन की क्या ड्यूटीज हैं, तो उसका मतलब है वी ब्रॉट वेमेन स्टडीज विद इस्लामियात। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इस्लामियात इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। जैसे हम हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं तो वो मल्टीपल डिसिप्लिन के साथ लिंक कर रहा होता है। ठीक है, तो जब भी कोई सब्जेक्ट वो सिर्फ आपस में अगर अकेला नहीं है, द सब्जेक्ट इज नॉट अ सोल स्टडी बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टडीज, तो उसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम जेंडर स्टडीज से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जेंडर स्टडीज एक सब्जेक्ट हम लोग देखे हैं, तो जेंडर स्टडीज जो होता है इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, बिकॉज वो एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी मिक्स कर रहा होता है, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन स्टडीज स्टडीज में स्टडी ह्यूमन। अब एंथ्रोपोलॉजी के साथ कैसे वो लिंक कर रहा होता है कि हम लोग देखते हैं कि humans can be subdivided into various types. Humans can be males, humans can be females, humans can be lesbian, humans can be gay, humans can be homosexual, humans can be bisexual. जितने भी genders हैं, humans are divided on those genders. इसका मतलब है we have studied anthropology to determine के हमारे पास कौन से genders हैं. इसका मतलब है gender studies has a multidisciplinary nature. इस gender studies को हमने sociology से link किया. ठीक है, जेंडर स्टडीज को हमने इकोनॉमिक्स से लिंक किया। तो एवरी सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट ऑन अर्थ हैज अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। जैसे हमने देखा कि खवातीनों को वोटिंग राइट्स हमें मिलनी चाहिए, दे शुड गेट द सफरेज राइट्स, तो इसका मतलब है वी मर्द
द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज विद द पॉलिटिकल साइंस. हमने बोला इफ मेल्स आर गेटिंग दिस थिंग द वुमेन शुड आल्सो गेट दिस थिंग, और इफ मेल और फीमेल आर गेटिंग दिस थिंग, इसका मतलब ये है कि द अदर जेंडर्स विच आर रिकॉग्नाइज दे शुड आल्सो गेट द सेम थिंग बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर आल्सो द ह्यूमंस. So the rights distribute ho rahi hai, human rights, they apply to all humans and not, it is not specific to the gender. ठीक है, तो ये concept था. तो हमारे पास ये क्या concept था, multidisciplinary क्या हो गया. ठीक है, इसमें आप लोग जान लें, ठीक है, जब भी बात होती किसी भी चीज में अगर इंटर आ जाता है, इसका मतलब ये है कि it is something related to between. इंटर का मतलब होता है between. Between the disciplines, interdisciplinary मतलब between the disciplines, multidisciplinary मतलब के उसके multiple dimensions हैं, ठीक है. अब क्या होता है multidisciplinary में, क्या है कि एक हमने बिठा लिया है sociologist, let's say, ठीक है, sociologist बिठाया है और हम उसको gender का कोई issue लेकर आ गए हैं, तो sociologist क्या करेगा, उस problem को in perspective of sociology draw करेगा, ठीक है. Let's say हमने बोला कि जो women हैं इनको हम पढ़ने नहीं देंगे, ठीक है, तो ये मसला है कि खवातीनों को उन्होंने पढ़ने नहीं दिया. तो ये मसला जब हम सोशियोलॉजिस्ट के पास लेके गए, तो सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि हम इस सोसाइटी में खवातीनों को पढ़ना इसलिए बुरा समझा जाता है क्योंकि इसका जो कल्चरल सेटअप है वो ऐसे है कि ऐसे है, बहुत रूरल किस्म का कल्चरल सेटअप है जहाँ वुमेन्स को पढ़ाना इज नॉट कंसीडर्ड रिस्पेक्टेबल. ठीक है, वी आर स्टिल लिविंग इन दैट एज, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वी आर स्टिल लिविंग इन दैट एज जहाँ पे अगर हम समझते हैं कि वुमेन जो है दे आर ओनली डेस्टाइन टू किचन एंड दे आर नॉट डेस्टाइन टू वर्किंग प्लेसेस. तो ये एक सोशियोलॉजिकल इफेक्ट है उस चीज का. तो अगर हम कोई एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम को अगर आप सोशियोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ कि वुमेन को पढ़ाया नहीं जा रहा या वुमेन के साथ ये मसला होगा, सोशियोलॉजिस्ट अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा. फिर तुम पॉलिटिशियन के पास लेके जाओ तो वो उसको अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा. हिस्टोरिकल हिस्टोरिशियन के पास लेके जाओ तो वो उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकालेगा. तो क्या होगा कि हर बंदा अपने डिसिप्लिन के साथ उसको लिंक करेगा. लिंक तो होगा लेकिन हर बंदा अपने डिसिप्लिन के साथ उसको लिंक करेगा. तो उस चीज को हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी. हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर डिसिप्लिन का एक एक्सपर्ट बिठा देंगे ताकि हर डिसिप्लिन वाला अपना अपना पर्सपेक्टिव दे और फिर हम लोग उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके. दिस नेचर ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी. इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि हर दो सब्जेक्ट में एक इनहेरेंट कनेक्शन होता है. ठीक है, लेट्स से पॉलिटिक्स जो होती है, हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो पॉलिटिक्स जो हम अप्लाई करते हैं वो ह्यूमंस में करता है. तो when we apply those politics on humans, so इसका मतलब है we have to study anthropology. So there is a link between politics and anthropology. Similarly, there is a link between politics and social system. So जब हम सारे उन links को अलग अलग तारों से निकाल के उनको एक जगह integrate कर लेते हैं, ठीक है, integrate करके फिर हम उसको as a integrated set of knowledge use करते हैं, so it is interdisciplinary. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दिस इज अ सिंथेसिस ऑफ अप्रोच, कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस ऑफ अप्रोच, इंटीग्रेशन, ये चीज हो गई इंटरडिसिप्लिनरी. एक कंबाइंड हो, मल्टीडिसिप्लिनरी में क्या है, हमने एक्सपर्ट बिठा दिया है एक एक चीज का और दे आर गिविंग देयर पर्सपेक्टिव. ठीक है, अब आपने अगर आई आर पढ़ी है तो उसमें होगा जेंडर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ आई आर, ये भी होगा एक. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं टू डिफाइन. ठीक है, अगर आप किसी रिलीजियस स्कॉलर के पास जाएंगे तो वो अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा. अगर आप किसी पीएचडी स्कॉलर के पास जाएंगे तो वो एक साइंस और उस चीज को मिला के करेगा. तो वो चीज हो गई मल्टी डिसिप्लिनरी. लेकिन अगर एक ही बंदा है, वो पीएचडी भी है, वो इस्लामिया का भी पढ़ा हुआ है, तो उसको स्कॉलरली नॉलेज भी है, उसको रिलीजियस नॉलेज भी है, तो देयर इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ नॉलेज. वो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ नॉलेज इफ ही इज गिविंग, सो इट इज इंटरडिसिप्लिनरी बिटवीन द लाइंस. इंटर का मतलब होता है बिटवीन. तो इसका मतलब है, आपने किसी ने वेन डायग्राम पढ़ी है? वेन डायग्राम किसी ने पढ़ी है? प्लीज मुझे बता दें, वेन डायग्राम पढ़ी है? अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. एबिलिटी में तो पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से, जनरल एबिलिटी में अगर आप लोगों ने किया होगा, या बचपन में मैट्रिक में पढ़ी होंगी. ओके, तो वेन डायग्राम में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग
सेट पढ़ते थे बचपन में, यूनियन इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन होना बस कॉमन चीजें आती थी। जहां भी इंटर आ जाता है INTER, इसका मतलब वी आर फाइंडिंग द कॉमन थिंग, ठीक है। सो इट्स अ मर्जर, इन दोनों में इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी जो मैं इन दोनों को साथ बिठा दे। सो इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब है हर डिसिप्लिन की एक कम्बाइंड सेट ऑफ नॉलेज है, एक कम्बाइंड नॉलेज है, उनमें से कॉमन चीजें निकाल के एक जगह पे रख दी हमने, तो दिस इज इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। और मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब के हर बंदा अपना अपना पर्सपेक्टिव देगा। आई होप दैट्स क्लियर, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो सिमिलरली वी सेड के जेंडर स्टडीज है, इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, इसलिए वी कॉल इट अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि जेंडर स्टडीज हमारा एंथ्रोपोलॉजी भी कवर कर रहा होता है, सोशियोलॉजी भी कवर कर रहा होता है, इकोनॉमिक्स भी कवर कर रहा होता है, पॉलिटिकल साइंस भी, रिलीजन, साइकोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग, ठीक है। तो और ये बात एक याद रखूंगे, जो भी सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं दे आर मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। यूजली इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई हारन फास्ट शुरू नहीं होता। मल्टी डिसिप्लिनरी बस ये मतलब है कि अगर इफ वी इन्वॉल्व अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड देयर इज मल्टी डिसिप्लिनरी, अगर हम हर सब्जेक्ट की कॉमनलिटीज निकालें तो दैट इज इंटर डिसिप्लिनरी, ये चीज है। अगर सोशल साइंसेज के अंदर बात की जाए या नेचुरल साइंसेज में तो इट्स इंटर, उसके अंदर वाली कोई बात नहीं, हर सब्जेक्ट कैन बी इंटर कैन बी मल्टी, बोथ हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि सोशल के अंदर ही जाए हम लोग। बस इंटर में ये कॉन्सेप्ट है कि इंटर डिसिप्लिनरी में भी have an integrated set of knowledge, ठीक है, बस इंटर के साथ इंटीग्रेट कर दें, इंटर इंटीग्रेट, इंटर में वी हैव एन इंटीग्रेटेड नॉलेज, सिंथेसाइज नॉलेज, ठीक है, रिफाइंड नॉलेज। और मल्टी डिसिप्लिनरी वी हैव अ डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, हर डिसिप्लिन का अपना पर्सपेक्टिव होता है टू सी अ थिंग, ठीक है। जैसे हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं ना, थ्योरीज में क्या होता है कि एक ही टॉपिक को अगर आप आई आर देंगे, पेपर देंगे कल को, तो आईआर में क्या होगा, एक टॉपिक है उसको आप रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उसी को आप लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उसी को आप डिफरेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो एक चीज को आप तीन चार पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। और एक चीज को आप हर पर्सपेक्टिव पर थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट मिला के एक कम्बाइंड पर्सपेक्टिव के साथ देख रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड इंटर डिसिप्लिनरी, इट दैट क्लियर। यस यस, दोनों इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ही है, मल्टी डिसिप्लिनरी भी है, बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आपको इस टॉपिक में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। इफ यू वॉन्ट मी टू इलाबोरेट दिस टॉपिक मोर तो आप मुझे बता दें, मैं आपको और डिटेल्स में लेके जाऊंगी, बट मेरे ख्याल से ये इनफ है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं ऑटोनॉमी वर्सेज इंटीग्रेशन डिबेट में चली जाऊंगी, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑटोनॉमी वर्सेज इंटीग्रेशन डिबेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। काइंडली आप इसके नोट्स बना लें, जो मैं लेक्चर दे रही हूँ उससे बनाएं, और आप उसको अलग से भी प्रिपेयर करें, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू 2020 में आएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप उसका बना दें और उसका करंट सिनेरियो भी देख लीजिएगा। ओके, तो ऑटोनॉमी वर्सेज इंटीग्रेशन डिबेट क्यों आई थी? सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑटोनॉमी, वी विल डिस्कस व्हाट इज इंटीग्रेशन। ऑटोनॉमी मतलब हम किसी चीज को एम्पावर कर देते हैं, ऑटोनॉमस कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। वी व्हेन वी गिव ऑटोनॉमी टू अ थिंग, इसका मतलब वी एम्पावर दैट थिंग, उसको बोल दिया कि तुम आजाद हो, ठीक है। अब हमने एक जैसे इंडिया पाकिस्तान, इट वॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मर्ज था, तो जब हमने पाकिस्तान और इंडिया जब दोनों आजाद हुए, ठीक है, पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो वी एक्चुअली गिव ऑटोनॉमी टू पाकिस्तान, ऑटोनॉमी दी तो उसका मतलब वी गेव पावर टू पाकिस्तान, हम उसको एम्पावर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है पाकिस्तान बिकेम अ सेपरेट आइडेंटिटी एंटिटी, सॉरी पाकिस्तान बिकेम अ सेपरेट एंटिटी। सो दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोनॉमी, ठीक है, वो जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। इंटीग्रेशन मतलब इट्स अ मिक्सचर, ठीक है। अब क्या हुआ, autonomy versus integration debate basically it applies to the subject of women and gender studies, ठीक है। अब जैसे क्योंकि स्टार्ट में when women's studies new आया था 1920s के दौर में, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, ठीक है, बहुत सारे लोग women's studies को सही नहीं पढ़ रहे होते थे। तो इन दैट सिनेरियो एक बात चली थी कि we should perhaps
वुमेन्स स्टडीज को एक अलग से डिसिप्लिन हमने क्यों बनाया, क्योंकि अगर हम इसको अलग से डिसिप्लिन बना रहे हैं इसका मतलब हम लोग अपनी रिसोर्सेज भी वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, हम लोग अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं। तो हम लोग इसका ना एक छोटा सा पोर्शन हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसे फेमिनिस्ट उठी, उन्होंने बोला कि क्यों हम लोग क्यों वुमेन स्टडीज को इंटीग्रेट करें, इसलिए इंटीग्रेट वुमेन स्टडीज विद अदर सब्जेक्ट, तो वो जो वुमेन स्टडीज का अलग से जो सब्जेक्ट है वो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर जाएगा, और जो फोकस है वो दूसरे, जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ उसमें वुमेन स्टडीज का थोड़ा सा पोर्शन है, तो ऑब्वियसली आप किस चीज को फोकस करोगे, यू विल फोकस ऑन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब आप CSS के पेपर्स दे रहे हैं, आपका इस्लामिया का पेपर है, उसमें रोल ऑफ वुमेन आप पढ़ रहे हैं, तो आपका जो फोकस होगा रोल ऑफ वुमेन को इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लिखना होगा, आपको पता है क्योंकि सब्जेक्ट इस्लामियत, तो आपका फोकस हमेशा इस्लामियत पे रहेगा, वुमेन पे नहीं रहेगा, रहेगा क्या, किसी का भी नहीं रहेगा। सो दैट आइडिया जैसा, तो फेमिनिस्ट उतनी गौर की, उन्होंने बोला कि ये कोई बात नहीं होती, और हम लोग सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो सब्जेक्ट अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर जाएगा और फिर कोई फायदा नहीं होगा ये सब्जेक्ट पढ़ाने का, इसलिए ना हम उसको ऑटोनॉमी दे दें सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डिबेट, उन्होंने बोला कि दूसरे लोग बोलते थे ऑटोनॉमी क्यों दें, हम लोग क्यों अपनी रिसोर्सेज जाया करें जब हम उसको सब्जेक्ट के अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी कैन स्टडी इट इन डिफरेंट, बिकॉज द सब्जेक्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, तो हम उसको डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, तो हम लोग क्यों उसको ऑटोनॉमी दें। यस बट अच्छा इसका सवाल कैसे आएगा इस टॉपिक का, आपसे ओपिनियन मांगेगा कि वुमेन स्टडीज जेंडर से ऑटोनॉमी हमें, वेदर यू आर फेवरिंग द ऑटोनॉमी साइड और वेदर यू आर फेवरिंग द इंटीग्रेशन साइड, दोनों की वैलिड आर्ग्यूमेंट हैं। अगर मुझसे आप पूछते मैं तो इंटीग्रेशन से जाती, बाकी आप लोगों का ओपिनियन है, जितना आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मुझसे पूछते तो मैं इंटीग्रेशन में जाती, लेकिन हमारे वक्त में ये सवाल नहीं आया था, ठीक है। चले आपको बताऊंगी मैं इंटीग्रेशन में क्यों जा रही हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आप इस चीज को सोच समझ लें कि ये चीज है क्या। तो ऑटोनॉमी कहता था कि सब्जेक्ट को आप ऑटोनॉमस कर दें, उसको आप अलग से पढ़ें, उसको आप किसी के साथ लिंक नहीं करें, और इंटीग्रेशन कहता था कि आप लोग क्या करें, उसको लिंक करके पढ़ें, ठीक है। ये जो डिस्कशन थी वो स्टार्ट बेसिकली हुई थी एनुअल नेशनल विमेन सफरेज एसोसिएशन पे, ठीक है, एनुअल नेशनल विमेन सफरेज एसोसिएशन पे इन 1982। तो उसमें क्या हुआ था, हमारा विमेन स्टडी स्टार्ट हुआ था, सवाल उठा था कि इसको हम सेपरेट फील्ड की तरह पढ़ें या हम उसको मर्ज करके पढ़ें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो बहुत सारी जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी उस मोमेंट पे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कैन और यू द बोथ साइड, और यू कैन से उस, अच्छा मैं आपको आर्ग्यूमेंट आपको एंड में बता दूंगी, पहले मैं ये पढ़ा तो दूं आपको ये चीज है क्या, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे पास नेशनल विमेन सफरेज एसोसिएशन की जो एनुअल मीटिंग हुई थी 1982 में, उस दौरान एक डिबेट उठी थी, एक लोगों ने बोला था कि विमेन स्टडीज को आपने अलग से क्यों बनाया, इट इज वेस्टिंग आर रिसोर्सेज, इट इज वेस्टिंग आर टाइम, इट इज वेस्टिंग आर मनी, एंड वी शुड परहैप्स इंटीग्रेट इट विद अदर सब्जेक्ट, अगर इस सब्जेक्ट की इतनी इम्पोर्टेंस है तो। तो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट उठी और उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला कि ये कोई बात नहीं होती, और वी शुड ऑल्सो गेट एन इंडिविजुअलिटी, अगर हम सब्जेक्ट को साथ में पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर जाएगा, फिर कोई मकसद ही नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट चली दोनों की, उस साइड बोले थे, मतलब दोनों साइड ने अपनी प्रो प्रो आर्ग्यूमेंट दी, ये चीज से हमें ये फायदा होगा, ये चीज से हमें ये फायदा होगा, लेकिन फिर भी एक बीच का रास्ता नहीं निकल सका, ठीक है, बीच का रास्ता नहीं निकल सका, दोनों साइड लड़ते रह रहे थे, वो डिबेट आज तक हमारे पास डिबेट उससे मार्ग बना हुआ है कि वेदर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए या इंटीग्रेशन होनी चाहिए। अब जो ऑटोनॉमी वाले थे वो ऑटोनॉमी इसलिए कहते थे, वो कहते थे कि जो फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि खवातीनों के बहुत क्रूशियल मसले हैं और बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, तो दुनिया के मसले मसाइल छोड़ के उन खवातीनों को साथ मिलके आइसोलेशन में अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए और उनके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है, एज अ बिगर पिक्चर, हर मसले को खवातीन के लिए, खवातीन विमेन स्टडीज है वो हम लोग उनको मिला रहे हैं, तो हम उनको ऑटोनॉमी देंगे तो वो खवातीन आइसोलेशन में काम करके अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगी और उनके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगी। तो ये एक ऑटोनॉमी का पर्पस था।
ठीक है, उन्होंने बोला कि हम विमेन स्टडीज में, असल में ये जो न्यू डिबेट आई थी ये विमेन स्टडीज के बारे में थी, जेंडर स्टडीज के बारे में नहीं थी, बट इट कैन बी अप्लाई टू जेंडर स्टडीज, ठीक है, बट वो विमेन स्टडीज के बारे में थी। खैर अब तो ये कोई बात ही नहीं है, अब हम जेंडर स्टडीज अलग भी पढ़ रहे होते हैं, इंटीग्रेशन भी हो रही होती है, सो बोथ साइड, ठीक है, अब तो ऑटोनॉमी भी है, उसके बाद इंटीग्रेटेड भी है, तो या तो बेसिकली जो डिबेट हुई थी इट वॉज बेस्ड ऑन विमेन स्टडीज। कुछ बुक्स आपको ये कहेंगे कि वो जेंडर स्टडीज की बेस पे है, लेकिन वो उस टाइम से विमेन स्टडीज की बेस नहीं थी जब हमारे पास लिबरल और रेडिकल फेमिनिज्म आया था, और जब जेंडर स्टडीज आई तो हमने विमेन स्टडीज को जेंडर स्टडीज में मर्ज कर लिया था, तो इन द एंड वी वर पेइंग इट फॉर जेंडर, बट जो एक्चुअल डिबेट रेज हुई थी बोथ फॉर विमेन। तो विमेन जो ऑटोनॉमी थे उन्होंने कहा कि हमें आइसोलेशन में दो ताकि हम लोग विमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पढ़ सकें और उन पर सही से काम कर सके, ठीक है, और उन्होंने बोला कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद एकेडमिक फील्ड तो जो फेमिनिस्ट का रियल पर्पस है, जो रियल मोटिव है, हम उससे हट जाएंगे, वी विल बी वी गेट डाइवर्टेड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जंग चलाई सोशल साइंस के थ्रू, और उन्होंने बोला कि भाई ये जो लोग इंटीग्रेशन वाली बातें कर रहे हैं ये बेसिकली बिलोंग टू एंड्रोसेंट्रिक सोसाइटी, और वो क्योंकि वो मतलब बहुत उनको खौफ है कि विमेन स्टडीज आगे ना बढ़ जाए या विमेन को बहुत ज्यादा अवेयरनेस ना आ जाए, तो उसकी वजह से वो चाहते हैं कि उसको दूसरे सब्जेक्ट में मिला के उसको दबा दी जाए, विमेन की आवाजों को बंद कर दिया जाए ताकि खवातीन उसके मर्दों के खिलाफ रिवोल्ट ना करें, ठीक है। अब उस दौर में ये भी हमने देखा था कि पहले विमेन स्टडीज आई थी, फिर मैन स्टडीज आई थी, फिर जेंडर स्टडीज आई थी, तो एक वो भी पर्सपेक्टिव बना हुआ था कि जैसे ही विमेन स्टडीज आई तो मैन जो मर्द थे उन्होंने बोला कि हमारी भी स्टडीज आनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मेल्स आर ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन विद विमेन, ठीक है, तो वो जो एक एरा है, वो जो एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है, फॉर देम इंटीग्रेशन के थ्रू उस चीज को काउंटर करना चाहते हैं कि अगर वो किसी सब्जेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो विमेन की जो वॉइस है वो किसी हद तक चुप हो जाएंगी, लेकिन अगर हम उसके सब्जेक्ट को ऑटोनॉमी दे दी तो खवातीन तो सर पे चल जाएंगी, वो अपनी राइट्स मांगेंगी और फिर वो तो हमसे भी आगे निकल जाएंगी, इसलिए उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑटोनॉमी इंटीग्रेशन वाली डिबेट को एक मेल इनसिक्योरिटी कह दिया कि भाई ये मेल इनसिक्योरिटी है, तभी ये लोग बोले कि इंटीग्रेट करो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन वाली में कुछ खवातीन भी थी, जो ऑटोनॉमी वाले थे वो खवातीन उन इंटीग्रेशन वाली खवातीनों को भी बुरा समझते थे, भाई ये लोग तो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन वाली खवातीनों ने बोला कि आप लोग देखें लड़कियों के साथ जितने मसले हो रहे हैं उन मसलों में किसी ना किसी सोसाइटी इन्वॉल्व है या नहीं है, उस मसलों में हमारे सोशल स्ट्रक्चर की खराबी है या नहीं है, ठीक है, हर मसले में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो पीछे से खराब है, ठीक है, स्ट्रक्चरल वायलेंस हो रहा होता है, ठीक है, वो हमारे स्ट्रक्चर में इंग्रेंड है, कल्चरल वायलेंस हो रहा है वो हमारे कल्चर में इंग्रेंड है, तो जब तक हम कल्चर को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम वुमेन के मसले कैसे हल करेंगे, उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने बोला कि सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड होगा तो हम उस चीज को उस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तभी तो हम उसका हल निकाल सकेंगे, अगर कोई विमेन आ रही है विमेन स्टडीज में वो ऑटोनॉमी दी हुई है सब्जेक्ट को, तो वो खवातीन उठी है, उसने बोला कि भाई मेरे साथ वॉयलेंस हो रहा है, जेंडर बेस्ड वॉयलेंस है, या मेरे साथ डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा है, ठीक है, उनका जो हस्बैंड है ही इज जस्ट बीटिंग हर, तो हमें कैसे मतलब हमें पता है कि हस्बैंड बीट, हमें उसका एक सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, तो हम लोग किसी भी चीज का वो सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं जब तक हमें उससे रूट कॉज नहीं पता हो, क्या पता हम लोग देखते हैं मोस्टली जो वायलेंस हो रहा है देयर इज अ फॉल्ट इन अ पर्सन साइकोलॉजी, उसने बचपन में कोई उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा अगर उसकी साइकोलॉजी में इफेक्ट कर गया होगा जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस उसमें इंग्रेंड हो गया होता है, हम लोग अभी बोलते हैं ना जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ बचपन में उनको निग्लेक्ट मिला हुआ हो तो उसकी वजह से वो लोग ऐसे हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं देयर इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, अभी हमें पता है कि वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है तब हम उस चीज को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि उस मेल साइकोलॉजी क्या है उस वक्त तो हम उस चीज को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, सो देयर इज अ नीड अ डायर नीड टू इंटीग्रेट द थिंग, क्योंकि इंटीग्रेशन से हमें एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी के थ्रू पता चलेगा कि असल मसला वेयर इज द प्रॉब्लम लाए, ठीक है। अब अभी का रिसेंट एग्जाम्पल है जैनब रेप और मर्डर केस जो हुआ था दैट 8 ईयर गर्ल्स वाला, उसका जो द पर्सन हु रेप है इमरान खान ऐसे उसका नाम था, तो उसको जब अरेस्ट किया गया था तो उससे ये पूछा गया था कि आपको तरस नहीं आया उस बच्ची पे, तो व्हाट ही आंसर ही सेड कि
नहीं तो उसके साथ बचपन में ऐसी कोई हिस्ट्री हुई थी सेक्सुअल वायलेंस वाली, तो उसने बोला किसी के किसी ने मुझके तरफ खाया था तो मैं उसके तरफ खा था, मुझसे भी तो किसी ने तरफ नहीं खाया था, आई वॉज ऑल्सो दिस लिटिल। तो वो बचपन का एक फैक्टर था जो उनकी साइकोलॉजी को अफेक्ट किया हुआ था, जिसका इम्पैक्ट जो था उसके फ्यूचर पे हुआ। तो जब तक हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि वो इशू कैसे लिंक है। तो देर इज अ डायर नीड कि हम उस सब्जेक्ट को उससे लिंक करके पढ़ें, उसका स्टेप्स देखें, ताकि हम प्रॉब्लम के सही और रेलिवेंट सॉल्यूशंस निकाल सकें। अगर हम सिर्फ वुमेन स्टडीज एज अ सोल ऑटोनॉमस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम उसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो तो ऐसे होगा कि अंधेरे में हमने तीर मार दिया, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशनिस्ट वाले थे वो बहुत रेलिवेंट बात बोलते हैं, इट्स अ वेरी लाइक, तभी मैं इंटीग्रेशन की साइड से इसलिए हूँ क्योंकि टू स्टडी वन थिंग वी नीड टू नो द रूट कॉसेस, और रूट कॉसेस कैन अराइज फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर, दैट कैन बी कल्चरल, दैट कैन बी सोशल, दैट कैन बी हिस्टोरिकल, दैट कैन बी एनीथिंग। तो इसकी वजह से हमें मतलब दूसरे डिसिप्लिन की या दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब उनकी जो बात थी ऑटोनॉमी वालों की, अब मैं आपका ओपिनियन दे रही हूँ, तो ऑटोनॉमी वाले से वो कहते थे कि भाई सब्जेक्ट जब जाएगा, अब उस दौरान में सब्जेक्ट न्यू था, ठीक है, तो सब्जेक्ट न्यू था तो उसके दबने के चांसेस थे, तो ऑटोनॉमस वर काइंड ऑफ राइट कि सब्जेक्ट न्यू है, दब जाएगा, अटेंशन नहीं मिलेगी सब्जेक्ट को उसमें, तो उस दौरान में सही थे। लेकिन इट अप्लाइज टू टुडेस वर्ल्ड, पीपल आर वेल एजुकेटेड, पीपल बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ चुके हैं, तो इंटीग्रेशन अप्रोच शुड वर्क द बेस्ट। यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट शुड बी टॉट एज डिफरेंट सब्जेक्ट एंड शुड बी गिवन एन एक्स्ट्रा मतलब रेलिवेंट सिग्निफिकेंस इन द एडिक्वेट सिग्निफिकेंस इन अदर सब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं जेंडर एंड आईआर, अब जेंडर आईआर पढ़ेंगे तो इस टॉपिक होगा जेंडर एंड आईआर, तो वहाँ पे एक सिग्निफिकेंस दी हुई है। तो अभी वी ऑलरेडी रीड द सब्जेक्ट एज एन ऑटोनॉमस सब्जेक्ट एंड एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, ताकि नॉलेज दूसरे दोनों परस्पेक्टिव से आ जाए। लेकिन इफ यू आर सपोज टू चूज वन, देन वो तो आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आपका ओपिनियन आपको लग रहा है, बट इफ इट वॉज अप टू मी तो मैं हमेशा इंटीग्रेशनिस्ट के पास जाती हूँ, बिकॉज आई थिंक दे सीक देम। ठीक है, तो ये सारी डिबेट थी, बहुत ईजी डिबेट थी, पता नहीं लोग इस चीज को बहुत मुश्किल समझते हैं, पता नहीं क्यों। तो इट वॉज अ वेरी ईजी टॉपिक, अब अगर इस टॉपिक में किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकते हैं। या तो फिर मैं बस बंद करती हूँ, खुदा हाफिज़।